नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आज आपको लाइव में बताया था कि इस चैनल पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। एक मन तो करता है कि वीडियो अपलोड नहीं करूं, लेकिन आपसे वादा किया है कि इस चैनल पर हर रोज एक वीडियो जरूर आएगी। जब तक ये चैनल है तब तक वीडियो आपको जरूर मिलेगी, चाहे कुछ भी हो। धन्यवाद दोस्तों। कश्मीर के नाम पर कुलाचे भरने वाले इमरान खान के घुटने अब ग्रीस की डिमांड कर रहे हैं। संभवतः फजलुर 27 अक्टूबर को सिंध से ग्रीस का पैकेट लेकर भी आए हैं, जिन्हें वह इमरान खान के घुटनों पर लगाकर अब इस्लामाबाद से बनीगाला तक दौड़ाएंगे। वैसे जिन्हें लंबी रेस के घोड़े के बारे में नहीं पता है, उन्हें इमरान खान की वर्तमान हालत से अंदाजा लगा लेना चाहिए। यह घोड़ा 126 दिन की कसरत के बाद डी चौक पर पैदा हुआ था। लोगों ने इसे लंबी रेस का घोड़ा कहा, पर इसने पाकिस्तानियों के सामने जितने लंबे दावे किए उसकी बदौलत आज यह खुद लंबा हुआ पड़ा है। यानी घोड़ा दौड़ा जरूर, पर लंबी रेस की बजाय लंबी फेंक कर। कमाल की बात यह है कि जिसने इस पर दांव लगाया था वह भी हाथ खड़े कर चुके हैं और पिछले 3 दिनों से बाजार की दुकानों पर ताले डाल दिए गए हैं। खास बात यह है कि भारत का असली मिशन भी यहीं से शुरू होता है। पाकिस्तान इसका अंदाजा लगा चुका है कि भारत पाकिस्तान के हालातों का फायदा उठाने के लिए कुछ ऐसे कदम उठा सकता है जो पाकिस्तान को भारी पड़ सकते हैं। पर पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि वह राजनीतिक अस्थिरता में फंसा हुआ है और उसकी इंटेलिजेंस, सेना और तमाम इदारे आपस में उलझे पड़े हैं। पाकिस्तान को अंदेशा है कि भारत उसके देश में मौजूद सैयद सलाउद्दीन, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम पर कोई त्वरित कार्रवाई करने की जुगत में है। उसकी यह चिंता अमेरिका द्वारा अबू बकर बगदादी को हूरों की खोज में भेजने के बाद कुछ ज्यादा बढ़ गई है। पिछले 2 हफ्ते से हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम और सैयद सलाउद्दीन को लेकर ISI इधर से उधर ठिकाने बदलती घूम रही है। बड़ी बात यह है कि भारत ने UN को दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में जिन 5 ठिकानों की जानकारी दी थी, वहां से दाऊद इब्राहिम गायब है। पिछले दिनों पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने दावा किया था कि भारत कुछ बड़ा करने के चक्कर में है, वह पाकिस्तान में मौजूद कुछ जमूरों को अपना निशाना बना सकता है। ISI का दावा था कि भारत यह काम अपनी सेना की बजाय रो से करवाने की प्लानिंग कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान के वासिंदों से ही यह काम कराया जा सकता है। पाकिस्तान इस बात को लेकर खुशफहमी में है कि भारत अमेरिका जैसी कार्रवाई पाकिस्तान में नहीं कर सकता, परंतु वह स्थानीय एजेंटों के माध्यम से अपने टारगेट को हासिल कर सकता है। पाकिस्तान भारत के खुफिया सैटेलाइट से बचाने के लिए इन जमूरों को बख्तरबंद गाड़ियों और बड़े काफिले में बार बार नए ठिकानों पर छुपा रहा है। इन्हें 2 दिन से ज्यादा एक ही स्थान पर रुकने की अनुमति नहीं है। बड़ी बात यह है कि यह सभी रात के वक्त सफर करते हैं। इसका मतलब यह है कि मोदी सरकार भीतर खाने पाकिस्तान की कमर तोड़ने की योजना का कोई ना कोई खाका तैयार कर चुकी है। सेना सीधी कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित न करके पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देने की तैयारी में है। यानी पाकिस्तान के शिकारी को पाकिस्तान के तीर से ही निशाना बनाने की तैयारी है। इसलिए इनकी करतूतों को इनकी कंगाली से खत्म किया जाने वाला है। खास बात यह है कि स्थानीय एजेंट ज्यादा कुशल और बच निकलने की पेचीदगियों से वाकिफ होने के साथ तमाम हलचलों पर भी ध्यान रखते हैं, जिससे उनके लिए ऐसे मिशन आसान हो जाते हैं। भारत के लिए भी इस प्रकार का अभियान ज्यादा मुफीद है, क्योंकि इसमें सीधी कार्रवाई के मुकाबले कोई क्षति भी नहीं होती। अगर ऐसे मिशन में कामयाबी नहीं मिलती है तो राजनीतिक विरोधियों को भी उंगली उठाने का अवसर नहीं मिलता। इस प्रकार की प्लानिंग भीतर खाने तैयार की जाती है। आमतौर पर इजराइल इसी तरह की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जाना जाता है। अब भारत भी इजराइल की रणनीति को अपना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे जमूरे ISI की देखरेख में छुपे हुए हैं। वे कब कहां जाते हैं उनकी आसानी से खबर नहीं मिल पाती, जबकि स्थानीय लोग इसका पता लगा सकते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने जैसा अंदेशा जाहिर किया है, हो सकता है वो सच हो। अगर ऐसा होता है तो यह भारत खुफिया एजेंसियों के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी,
वैसे भी अपनी काबिलियत और सफल अभियानों के बल पर भारत की एजेंसी पाक की आईएसआई को बहुत पीछे छोड़ चुकी है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।